नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड में आपने ऐसा नजारा बहुत ही कम देखा होगा जहां बंदूक के साए में पूरी सुरक्षा के साथ बच्चे स्कूल जा रहे हों। दरअसल ऐसा ही नजारा देखने को मिला उत्तराखंड के रामनगर इलाके में, जहां बच्चे अपने स्कूल बंदूक के साथ पूरी सुरक्षा के साथ गए और स्कूल से घर आते वक्त भी बच्चों को पूरी सुरक्षा दी गई। दरअसल सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के पटरानी निवासी बच्चों को बंदूकधारी वन कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल लाया गया। जानकारी के मुताबिक यहां दो दिन पहले ढेला में जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला कला देवी को बाघ ने मार दिया था। तब से ही ढेला के ग्रामवासियों ने पटरानी से ढेला इंटर कॉलेज पढ़ने आने वाले 80 से अधिक बच्चों को पूर्ण सुरक्षा देने की मांग उठाई थी। जिस इलाके में बाघ ने महिला को शिकार बनाया था, इस इलाके से पटरानी निवासी बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के लिए जाते हैं। इस मामले में इंटर कॉलेज के शिक्षकों की ओर से वन विभाग के कर्मियों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है और कॉलेज जाते वक्त और कॉलेज से घर आते वक्त बच्चों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इस बीच बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की मांग भी सामने आई है। वहीं सोमवार को बच्चों को लाने वालों में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गोधन सिंह, वन आरक्षी तेजपाल रावत, कुबेर बंगारी शामिल है। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।